Hey, assalamu alaikum everyone. I am so sorry. I know काफी दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं लगाई है, but I am back with an amazing super duper hit recipe called beet meat curry or चुकंदर गोश्त. चुकंदर गोश्त की सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जाहिर है चुकंदर है, जिसको आपने इस तरह लंबा लंबा बारीक काट लेना है. अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि इसको कद्दूकश कर लें, लेकिन मुझे लगता है जैसे कद्दूकश करके ना वो उसमें बहुत ही बारीक हो जाता है, उसमें फिर मज़ा नहीं आता. अच्छा, मैं इसको इंस्टेंट पॉट में बनाऊंगी, लेकिन आप अपने प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं. आधा कप तेल लिया है और उसके अंदर 3 बड़ी प्याज लंबी लंबी काट कर उसको हल्का सा फ्राई करना है जब वो गोल्डन हो जाए. अच्छा, मैं चुकंदर गोश्त के लिए गोट मीट का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मैंने इसको बीफ के साथ भी कई दफ़ा बनाया हुआ है और बहुत मज़े का बनता है उसमें भी, तो इट्स अप टू यू. और अगर आप चाहें तो लैम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट ऑल्सो टेस्ट रियली नाइस. जब प्याज आपका खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए तो अपना गोश्त उसके अंदर डाल दें. गोश्त को थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है ताकि उसका मॉइस्चर जो है वो सारा सूख जाए. 5 मिनट ही लगेंगे इसमें. हमारा तो कोई भी खाना अदरक लहसुन का पेस्ट डाले बगैर होता ही नहीं है मुकम्मल, तो चलें इसके अंदर 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालें. अब मसालों में हम यूज़ करेंगे हल्दी, लाल मिर्च कुटी हुई, इसमें कश्मीरी भी है और दूसरी भी है, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला. ये मसाले डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट और अच्छे से गोश्त को फ्राई कर लें. अब इसके अंदर कोई पानी नहीं है. अब हमने गोश्त को गलाना है, तो उसके लिए आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, मेरे पास इंस्टेंट पॉट है. अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ चूल्हे पर भी पका सकते हैं, सिर्फ उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और पानी आपको उस हिसाब से ही डालना पड़ेगा. तो इंस्टेंट पॉट के लिए मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाला है और फिर उसको 21 मिनट के लिए प्रेशर कुक किया है. आपको पता है कि आपका गोश्त कितना टाइम लेता है. अगर आपका गोश्त 23 मिनट में प्रेशर कुक होता है तो 2 मिनट कम करें, क्योंकि प्रेशर कुकर खोलने के बाद आपने गोश्त का सारा पानी भी सुखाना है और फिर आपने चुकंदर भी डालना है, उसका भी पानी भी सुखाना है और उसका उसको गलाना भी है. सो ऑल ऑफ दैट टेक्स टाइम. और ऐसे मज़ा नहीं आएगा कि आपका गोश्त ओवर कुक हो गया हो, आपका चुकंदर अंडर कुक्ड हो. सो आप अपने टाइमिंग्स को थोड़ा ध्यान से देखें. 3-4 हरी मिर्चें डाली हैं पानी सुखाते हुए, काट के डालें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ताकि इसमें अच्छी सी मिर्चें हों. गोश्त अच्छे से भुन जाए, उसका तेल अलग हो जाए, तो फिर आप अपना चुकंदर पूरे का पूरा उसके अंदर डाल दें. गिव इट ऑल अ गुड मिक्स और फिर उसको कवर कर दीजिए. चुकंदर को पकने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे हल्की आंच पर. ज़्यादातर लोग जो है वो यहीं तक चुकंदर गोश्त को बनाते हैं और उनके हिसाब से ये हो गया है, एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. लेकिन देर इज़ अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं हमेशा एंड में डालती हूँ, एंड आई प्रॉमिस यू इट टेक्स द टेस्ट ऑफ योर चुकंदर गोश्त टू अ होल डिफरेंट लेवल. और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इमली. अब अगर आपके पास इमली की चटनी है तो वो डाल दें. अगर आपके पास इमली की चटनी नहीं है लेकिन आपके पास इमली पड़ी है तो उसको थोड़ी देर भिगोकर सिर्फ उसका पानी डाल दें. इमली की खटास जो है बीट रूट या चुकंदर का जो मिठास होती है उसको बड़े अच्छे से बैलेंस कर देता है. साथ में आपकी मिर्चें भी हैं, सो इट्स अ रियली नाइस ब्लेंड, अ रियली नाइस मेलोडी ऑफ फ्लेवर्स. बस इमली डालने के बाद आपने 2 मिनट और इसको ढक के रखना है और आपका चुकंदर गोश्त बिल्कुल तैयार है. अच्छा, अब आया गोल्डन क्वेश्चन कि इसको किस चीज़ के साथ सर्व करना है. भाई मेरे ख्याल से इट गोज़ बेस्ट विद बॉयल्ड राइस, और इसको ना खाते हुए भी बड़ा मज़ा आता है बॉयल्ड राइस के साथ, क्योंकि वो चावलों को ऐसा एक पिंक सा कलर दे देता है, तो वो लगता है हम कोई पिंक चावल खा रहे हैं. और चुकंदर के ना बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, तो इसलिए डू ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू योर मील्स. ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी लगी. अल्लाह हाफिज़.